हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन पे हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट बेसिकली एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो यूजर से डायनेमिक इनपुट लेने का काम करता है। इनपुट फंक्शन प्रोग्राम के फ्लो को तब तक रोक कर रखता है जब तक यूजर वहां डेटा ना एंटर कर दे। इसका सिंटैक्स होता है इनपुट एंड एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हम एक मैसेज पास करते हैं जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैसेज आपको शेल के ऊपर दिखाई देगा। इस मैसेज के बाद में आप अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। जब यहाँ पर डेटा एंटर, ये जो प्रॉम्प्ट होता है बेसिकली ये टोटली ऑप्शनल होता है। जब इनपुट फंक्शन में आप डेटा एंटर करते हैं तो डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया है इनपुट एंटर नेम। तो जब आप इस फंक्शन इनपुट को एग्जीक्यूट करेंगे ये मैसेज एंटर नेम आपको शेल पर प्रिंट होगा। और जब वहां पर आप डेटा एंटर करेंगे, चाहे आप नंबर एंटर करें, चाहे फ्लोट वैल्यू एंटर करें, कैरेक्टर एंटर करें, वो डेटा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब आप एक्स के डेटा टाइप को प्रिंट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट में स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इनपुट फंक्शन। हमने यहाँ पे पाइथन का शेल स्टार्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल को हम सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया program1.py। अब यहाँ पर हम वेरिएबल नेम लेंगे और इसमें डायनामिक इनपुट डालने के लिए फंक्शन इनपुट का यूज करेंगे। इनपुट लिखा हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट की जगह पर इनवर्टेड कॉमास में। एक हमने मैसेज पास किया एंटर नेम और इस वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हमने यूज किया फंक्शन प्रिंट and then we are printing a message hello comma followed by variable name। इस फाइल को हमने यहाँ पे सेव किया कुछ इस तरह से। अब इसको हम रन करने के लिए प्रेस करेंगे F5 की। जैसे हमने यहाँ पर F5 की प्रेस किया, आप देखिए आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा एंटर नेम। ये एंटर नेम वर्ड हमने एज अ प्रॉम्प्ट आर्ग्यूमेंट पास किया है इनपुट फंक्शन के अंदर। इनपुट फंक्शन प्रोग्राम के फ्लो को तब तक रोक के रखेगा जब तक हम यहाँ कोई वैल्यू एंटर न कर दें। यहाँ पर हम एक नया वैल्यू एंटर करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा राकेश। इस वैल्यू को एंड करने के लिए हम यहाँ पर एंटर की का यूज करेंगे। तो एंटर की जो रहती है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है इनपुट फंक्शन के लिए। जैसे हमने एंटर की प्रेस किया, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर वो हमारा मैसेज राकेश प्रिंट कर देगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा ऑल्टरेशन और करते हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल नेम का डेटा टाइप प्रिंट करके देखते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ फंक्शन यूज करेंगे टाइप। टाइप फंक्शन पाइथन में एक फंक्शन होता है जो किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा प्रिंट टाइप नेम, इसे सेव कर दिया। नाउ आई एम रनिंग द प्रोग्राम। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर हमने एक वैल्यू टाइप किया लक्ष्य, एंटर की प्रेस किया और आप देखिए यहाँ पर मैसेज प्रिंट होने के बाद में थर्ड लाइन ऑफ कोड में आपको जो डेटा टाइप है वो प्रिंट हो रहा है str। तो इनपुट फंक्शन जब भी रन होता है डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर ले लिया n1। यहाँ पर हम मैसेज भी चेंज कर देते हैं एंटर अ नंबर और यहाँ पर हम द नंबर इज मैसेज हमने यहाँ पे चेंज किया और अब हम वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं नेम। और इस वेरिएबल n1 का डेटा टाइप व्यू करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टाइप n1। नाउ वी सेव्ड अवर फाइल, वी आर रनिंग द फाइल। अब देखिए मैसेज आया, प्रॉम्प्ट आया, यहाँ पर हमने फिर एक वैल्यू डाला 56 एंड देन वी प्रेस एंटर की। अगेन हमने वहां डाला तो नंबर है बट इनपुट फंक्शन उस नंबर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो नंबर्स को नंबर्स के फॉर्म में इंटरप्रेट करने के लिए यहाँ पर हमको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करना होगा और टाइप कास्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे INT फंक्शन। INT फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। इस प्रोग्राम को मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया आफ्टर सेविंग F5 की से। अगेन हम यहाँ पर नंबर एक एंटर करेंगे, यहाँ पर जाकर हमने नंबर एंटर किया 78
एंड देन वी प्रेस एंटर किए और जब हम यहाँ आउटपुट में देखेंगे तो इस बार डेटा टाइप स्ट्रिंग प्रिंट ना होकर इंटीजर प्रिंट हो रहा है। सेम थिंग अगर आपको किसी भी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो उसे कास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ फंक्शन यूज करेंगे फ्लोट। तो फ्लोट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। अगेन आई एम रनिंग माई प्रोग्राम। यहाँ पर जाकर हमने एक वैल्यू प्रोवाइड किया जो फ्लोट के फॉर्म में था एंड यहाँ पर आपको इसका डेटा टाइप दिखेगा फ्लोट। अब हम देखेंगे इनपुट का यूज, हम मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करने में कैसे यूज लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हमने यहाँ दो वेरिएबल्स ले लिए नेम एंड सब्जेक्ट। यहाँ इक्वल्स टू साइन लिया हमने एंड देन वी आर राइटिंग अवर इनपुट फंक्शन लाइक इनपुट एंटर नेम एंड सब्जेक्ट। और इसके पीछे हमने एक फंक्शन यूज किया है दैट इज स्प्लिट। स्प्लिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन होता है जो डेटा को किसी डेलीमीटर के अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर लेता है। अभी एज अ डेलीमीटर साइन हम लोग यहाँ स्पेस का यूज कर रहे हैं, मतलब जब हम डेटा को इनपुट करेंगे तब हम यहाँ पर स्पेस का यूज करेंगे। हमने यहाँ लिखा नेम कॉमा एनएम नेम एंड देन अगेन फॉर प्रिंटिंग द सब्जेक्ट, इसको मैंने कॉपी किया एंड देन सब्जेक्ट वेरिएबल का नाम भी हमने यहाँ सब्जेक्ट लिया हुआ है एंड इस टाइप वाले फंक्शन को हम हटा देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस। अब देखिए जब हम डेटा डालेंगे तो हमने यहाँ पे नाम डाला, पहले हमने यहाँ पे नाम डाला काजल एंड देन स्पेस प्रेस किया और अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट डाल रहे हैं मैथ्स। आई प्रेस एंटर की, आपको यहाँ पर दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली दिखाई देंगी नेम एंड सब्जेक्ट, बट एज अ डेलिमीटर हमने यहाँ पे यूज किया है स्पेस का साइन। तो जब आप डेटा इनपुट करेंगे तो दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम स्पेस का यूज करेंगे, एंटर का यूज हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं सेपरेशन के लिए। सेम अगर आपको किसी और सिंबल से यहाँ पर सेपरेशन करवाना है तो यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में आप वो सिंबल टाइप कर दीजिए। दिस टाइम वी आर मेकिंग यूज ऑफ कॉमा साइन। इसको हमने यहाँ पर F5 की प्रेस किया। अगेन वी आर पुटिंग द वैल्यूज, सेम वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया काजल, देन आई प्रेस कॉमा साइन एंड नाउ आई एम राइटिंग माई सब्जेक्ट। और आप देखिए यहाँ पर इस बार डेलीमीटर साइन की तरह जो यूज हुआ है दैट इज कॉमा साइन और पहले हमने यूज किया था यहाँ पर स्पेस। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में इस चैनल पर।